हेलो चिल्ड्रेन, आई एम योर क्लास टीचर फ्रॉम सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल बपियामा प्रतापगढ़। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग अवर क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, किसमें? स्वर गुनगुन में। ओके, आप लोग अपनी अपनी क्लास UKG की स्वर गुनगुन की बुक ओपन कर लीजिए। देखिए, कल हम लोग ने क्या किया था? कल हम लोग ने पेज नंबर 20 किया था ना, छोटे ओ की मात्रा से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस की थी। आज हम लोग आते हैं पेज नंबर 21 पे। देखिए, आपका पेज नंबर 21 में क्या है? बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द। पहले हम लोग ने छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, आज हम लोग बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। जो मात्रा देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? बड़े ओ की मात्रा है। तो पहले आप लोग क्लास वर्क होमवर्क मेंशन कर लीजिए, क्लास UKG मेंशन कर लीजिए, आज की डेट मेंशन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखकर पढ़िए और समझिए। इसको क्या करना है? पहले आप लोग को रीड करना है, फिर समझना है। देखिए क्या लिखा है। सूरज। देखिए, सूरज में जो नीचे रेड कलर से मात्रा है वो क्या है? बड़े ओ की मात्रा है, ठीक है। और ये जो सूरज शब्द है वो क्या है? बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द है। ओके, अब ये देखिए क्या है? तराजू। ओके, ये भी क्या है? बड़े ओ की मात्रा। तरबूज। देखिए, बप है ना, तरबूज हो गया। मजदूर, तो इसमें भी क्या हो गया? बड़े ओ की मात्रा। जूता, इसमें भी बड़े ओ की मात्रा आ गई। हाँ, पूजा, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये सब क्या है? हमारे बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द है। ओके, समझ गए आप लोग। देखिए अब इधर क्या लिखा है, पढ़कर समझिए। इसे मैं रीड करूंगी, आप लोग को एक एक करके मेरे साथ फिंगर रखनी है। ओके, देखिए। धूम, खूब, दूध, सूत, घूम। मूली, सूती, पूड़ी, चूजा, काजू। बापू, झाड़ू, कालू, नूरी, जूली। सूखा, सूझा, भूखा, राजू, साधु। झूला, चूहा, पूजा, कूड़ा, झूठा। भालू, बूढ़ा, भूला, रूखा, भूसा। ओके, अब नीचे देखिए आप लोग, यहाँ पे तीन अक्षर वाले हैं। मूरत, पूरब, चूरमा, रुमाल, सूरज। चूरन, कचालू, पढ़ाकू, कबूतर, खुशबू। ये सब क्या थे? हमारे बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द थे। ओके, समझ गए आप लोग। तो इन शब्दों को क्या करना है आप लोग को? अच्छे से रीड करना है। ओके, ये आपका क्या रहेगा? आज का क्लास वर्क रहेगा। अब आप लोग ओपन करिए अपना पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में हम लोग का क्या है? इस चैप्टर से रिलेटेड छोटी सी हमारी स्टोरी है। ओके, देखिए, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। पढ़ो और लिखो। रामू, सूरज निकल आया, फूल चुन कर ला। राजू, दूध का गिलास उठा, भालू वाला आया। भालू झूम झूम कर नाचा, रामू पूरा खरबूजा खा गया। पूनम झूला झूल, धूल ना उड़ा। आलू, मूली, शहतूत ला, सूरज का पूजन कर। पूर्णिमा, आलू और कचालू की चाट बना। तरबूज व खरबूजा भी मिला, मूली की सलाद खूब खा। चीनू बाहर सरजू मदारी आया, साथ में कालू भालू भी लाया। मदारी डमरू बजा रहा था, सूरज ने डमरू बजाया। भालू ने खूब नाच दिखाया, सभी बालक खूब खुश हुए। ओके, तो हम लोग ने क्या रीड किया? छोटे बड़े की मात्रा वाले शब्द रीड किए। ओके, और ये छोटी सी स्टोरी थी हम लोग की। तो ये क्या था हम लोग का आज का क्लास वर्क था। क्लास वर्क आप लोग को आपका पेज नंबर 21 एंड 22 अच्छे से रीड करना है। ओके, अब आप लोग ओपन करिए अपना होमवर्क। देखते हैं तो आपका ओपन करिए अपनी अपनी हिंदी की राइटिंग बुक। तो कर लिया आप लोग ने ओपन राइटिंग बुक। देखिए आज आप लोग का हिंदी राइटिंग में क्या है। आज आपका है पेज नंबर 24 एंड 25। यहाँ पे पहले आप लोग सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल, स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, होमवर्क मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, क्लास मेंशन करेंगे। ओके, अब देखिए क्या है, एक ही मात्रा। आपको क्या करना है? इसको ट्रेस करना है। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे एक ही मात्रा है तो आपको क्या करना है, एक ही मात्रा पे ट्रेस करना है, इधर इधर और इधर नीचे उसको दोबारा से कॉपी करना है, लिखना है। ओके, तो यहाँ पेड़ लिखा तो आप लोग यहाँ पे पेड़ लिखेंगे, फिर यहाँ पेड़ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? ठठेरा, तो आपको क्या लिखना है? ठठेरा। फिर जलेबी, तो आपको जलेबी लिखनी है। फिर सपेरा, तो आपको सपेरा लिखना है। ओके, ये क्या रहेगा आज का आपका होमवर्क रहेगा, एक ही मात्रा। अब आप लोग ओपन करिए अपना पेज नंबर 25। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्या है ये? रमेश ने रेशमी शेरवानी पहनी,
रमेश ने रेशमी शेरवानी पहनी। तो यही आपको क्या करना है, ट्रेस करना है, यहाँ पे इन दोनों में ट्रेस करना है, उसको यहाँ पे दोबारा कॉपी करना है, मतलब लिखना है। ओके, समझ गए आप लोग, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ये दोनों पेज। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, कंप्लीट पेज नंबर 24 एंड 25 इन योर बुक, नीट एंड क्लीन पेंसिल शॉप करके आप लोग अच्छे से इसे करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।